तो दोस्तों जैसे हम लोग फोन पे हम अपना यूपीआई पिन को डाल के यहाँ पे टिक लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से घूमता है, और घूमने के बाद हमको बार बार एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यू वेयर इंटर द रॉन्ग यूपीआई पिन टू मेनी टाइम्स, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर और रिसेट योर यूपीआई पिन एंड ट्राई अगेन। यहाँ पे बार बार यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आप लोग को भी कुछ इस तरह से यहाँ पे बार बार प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, 100% इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो से आपका 100% सोल्यूशन हो जाएगा। और चलिए किस तरह से आप लोग इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे। और जैसे हम लोग इसको कट कर देंगे, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फोन पे, ये सब प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोन पे का अगर यहाँ पे देखते हैं अपडेट आया हुआ है तो पहले आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग फोन पे को अपडेट कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोन पे हमारा अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिर से आपको फोन पे को ओपन करना है। जैसे आप लोग फोन पे को ओपन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो लॉग वगैरह है वो आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे आप लोग दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल में क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट में चले जाना है, और जैसे आप लोग बैंक अकाउंट में चले जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको वो अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमको SBI में प्रॉब्लम आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग SBI में क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से आप लोग समझिए। सबसे यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई पिन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे रिसेट करके जो ऑप्शन मिलेगा इसी में आपको क्लिक करना है। लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है, इस खाते में जो भी एटीएम कार्ड आपको मिला है उसका लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे आपको डाल देना है, और जो भी मंथ और ईयर में एक्सपायरी डेट है एटीएम कार्ड का वो यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे आपको प्रोसेस में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको सारा लाइव करके प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एटीएम कार्ड का डिटेल्स को डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रोसेड में क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसेड में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, तो यहाँ पे 6 डिजिट का बैंक ओटीपी यहाँ पे डालने के बोलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 43 26 24, 43 26 24। जैसे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे। जैसे हम लोग टिक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, तो जो भी आप लोग 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नया यूपीआई पिन बना लेना है, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दोबारा से डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे टिक लगाए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, और घूमने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक आ जाना है, और जैसे आप लोग यहाँ से बैंक आइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बैलेंस में चले जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको उसी अकाउंट में क्लिक करना है, और जो भी आप लोग यूपीआई पिन सेट किया यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे हम लोग 6 डिजिट का यूपीआई पिन को डाल दिए हैं, जो भी हम लोग बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन, तो यहाँ पे आपको दोबारा से डाल देना है जो भी आप लोग अभी डाले थे। ठीक है, और जैसे आप लोग यहाँ पे डाल के टिक लगाइए, उसके बाद यहाँ पे घूमेगा, और जितना भी आपका अकाउंट में बैलेंस रहेगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कुछ इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सोल्यूशन हुआ कि नहीं।